दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें एक साथ दो लोगों का टिकट बुक करना होता है, लेकिन दोस्तों एक का उम्र रहता है 50 साल और एक का उम्र रहता है 30 साल। और जब दोस्तों टिकट बुक करने की बारी आती है तब दोस्तों वो लोग जनरल में टिकट उस ट्रेन में टिकट सर्च करते हैं, तब दोस्तों उस ट्रेन में वेटिंग लिस्ट टिकट बताया जाता है। लेकिन दोस्तों एक और कोटा होता है सीनियर सिटीजन कोटा, तो दोस्तों जब उस कोटे में उसी डेट के अंदर उस ट्रेन में टिकट सर्च करते हैं तब दोस्तों उसमें अवेलेबल सीट मिलता है, मतलब खाली सीट मिलता है। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठता होगा, क्या हम दो लोग का सीनियर सिटीजन में टिकट बुक कर सकते हैं? इसका जवाब है जी बिल्कुल, दो लोगों का आप सीनियर सिटीजन में एक साथ टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हम एक का उम्र 50 साल है और एक का उम्र 30 साल है तो दोनों लोग एक साथ सीनियर सिटीजन में बुक कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है जी बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी सीनियर सिटीजन में टिकट बुक करने की बारी आती है तब दोस्तों उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, नियम है, रूल है। जैसे कि दोस्तों सीनियर सिटीजन में वही लोग टिकट बुक कर सकते हैं जिसका उम्र 45 साल या फिर 60 साल हो। 45 साल किसका? अगर महिला कोई है फीमेल, उसका उम्र 45 साल कम से कम चाहिए। और अगर कोई मेल है मतलब पुरुष है, उसका उम्र कम से कम 60 साल होना चाहिए। दोस्तों वो लोग ही सिर्फ सीनियर सिटीजन में टिकट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों उनके साथ अगर कोई और भी टिकट बुक करवा रहा है सीनियर सिटीजन में, तब उनका भी उम्र फॉलो होना चाहिए 45 साल या फिर 60 साल। ऐसा नहीं होगा कि एक का उम्र 30 साल है और एक का उम्र 50 साल है, 50 साल वाली महिला है और 30 साल वाली कोई और हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा आप कभी भी बुक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसा आप करिएगा तब दोस्तों इस केस में पेनल्टी चार्ज लग सकता है आपको ट्रैवल करने के दौरान। जब आप सफ़र करिएगा उस ट्रेन में तब दोस्तों टीटी आप पर पैसा वसूल सकता है, चूँकि दोस्तों ये नियम के खिलाफ है। चूँकि दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन में टिकट बुक कर रहे हैं तब दोस्तों दोनों का उम्र मैच होना जरूरी है। सीनियर सिटीजन के जितना उम्र रखा गया है उसमें दोनों पैसेंजर का उम्र उतना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का उम्र 30 एक का उम्र 60 तब दोस्तों आप सीनियर सिटीजन में बुक कर दें, चूंकि दोस्तों उन्हें कंफर्म टिकट मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उन लोग को अब बात करते हैं कि उन लोग का किस में जाएगा। दोस्तों उन लोग का जनरल में ही जा सकता है, आप उन लोग के जनरल में ही टिकट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अन्यथा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिनका उम्र 50 साल है उनका आप सीनियर सिटीजन में बुक कर दें और जिनका उम्र 30 साल है आप जनरल में टिकट ले लें। आप वेटिंग में ले सकते हैं और उनका कंफर्म हो रहा है तो कंफर्म कर सकते हैं। सो दोस्तों ऐसा आप लोग भूल करके भी मत करिएगा, सीनियर सिटीजन में टिकट बुक मत करिएगा। जब दोस्तों दोनों का उम्र फॉलो होगा, दोनों का उम्र जितना मांगा जा रहा है सीनियर सिटीजन में उतना ही फॉलो होना चाहिए। चूँकि दोस्तों इंडियन रेलवे अपने पास कुछ सीट रिजर्व रखती है, किन के लिए? लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन, हमारे बुजुर्ग लोग के लिए, ताकि दोस्तों जब वो लोग टिकट बुक करें तब दोस्तों उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। चूँकि दोस्तों अगर वो लोग टिकट बुक करेंगे जनरल में तब दोस्तों हो सकता है उनको अपर बर्थ मिले और वो दोस्तों उनका 50 साल 60 साल हो तब दोस्तों वो ऊपर कैसे जाएंगे, उनको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए दोस्तों वो लोग सीनियर सिटीजन में लोग अपना टिकट बुक करवाते हैं। और अगर दोस्तों मान के चलिए कोई जनरल लोग ही अपना उस तरीके से टिकट बुक करने लगा तब दोस्तों यहाँ पर सीनियर सिटीजन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, आप इंडियन रेलवे के खिलाफ ना जाएं, आप बिल्कुल सही तरीके से अपना ट्रेन टिकट बुक करें ताकि दोस्तों आपको ट्रैवल करने में कोई परेशानियाँ कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो और दी गई जानकारी वीडियो में अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।